खरगोन जिले के बरवाह में भाजपा ने 25 जून को भारतीय लोकतंत्र के कार्य दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम आयोजित कर मीसाबंदी रामकिशन जायसवाल का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि इस दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। ये भारत के इतिहास में सबसे काला दिन था। लोकतंत्र की हत्या एवं आम नागरिकों का हनन इस दौरान व्यापक पैमाने पर किया गया। जिला मंत्री दीपक सिंह ठाकुर ने आपातकाल को लेकर संगठन द्वारा भेजे गए पत्र का वाचन किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, जसबीर सिंह भाटिया, लादूराम साहू ने मीसाबंदी रामकिशन जायसवाल के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के संस्मरण भी सुनाए। 25 जून को मीसाबंदियों की सम्मान समारोह और गोष्ठी के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मीसाबंदियों ने भारतीय जनता पार्टी से अमृत से लेकर जलसा से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष है और मीसाबंदियों ने जो संविधान की हत्या कांग्रेस के थी, बार बार की कांग्रेस संविधान की हत्या हो रही है, कांग्रेस कौन संविधान की हत्या कर रहा है, 1975 में किस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल के माध्यम से जो जनता के स्वतंत्रता पर की हत्या हुई थी, स्वतंत्रता की, उसके तहत जिन मीसाबंदियों ने जो कष्ट भोगे उनको सम्मानित कर उनके अनुभव और उस समय की जो पीड़ाएं उनके उन्होंने और उनके परिवारों ने भोगी थी वो सभी कार्यकर्ताओं के को ने सुनी उनके माध्यम से। और जो कांग्रेस बार बार राजीव गांधी अपने राहुल गांधी बार बार संविधान की हत्या की बात करते हैं, निश्चित रूप से संविधान की हत्या 1975 में किसने की थी ये उनसे पूछा जाना चाहिए।